Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. GTA में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया। माहिरीन की जानिब से शहरियों को ड्राइविंग के दौरान एहतियात का मशवरा दिया गया है। शहर के चंद इलाकों समेत सूबे भर में शहरियों को बिजली की बंदिश का भी सामना करना पड़ा। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है। आखिरी तलाश के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 2,36,841 हो गई। क्यूबेक शहर में तलवार से दो अफराद को हलाक करने वाले हमलावर का किसी दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक नहीं। पुलिस का कहना है कि हमलावर ज्यादा से ज्यादा अफराद की जान लेना चाहता था। क्यूबेक में तलवार से मुसल्ला एक शख्स ने हमला करके दो अफराद को हलाक और 5 को जख्मी कर दिया था। फ्लू सीजन के साथ कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना ओंटेरियो के अस्पतालों में जगह कम पड़ने का खदशा पैदा हो गया। वजीर सेहत का कहना है कि सूरत हाल से निमटने के लिए इकदाम कर रहे हैं। कनेडियन गवर्नर जनरल पर मुलाजमीन को हरासा करने के इल्जाम हुकूमती इदारों की जानिब से तहकीकात की जा रही हैं। 50 के करीब मुलाजमीन बैरूनी जायजे में हिस्सा ले रहे हैं। तुर्की में जलजिले से तबाही के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। जान बहक होने वालों की तादाद 81 हो गई। रेस्क्यू टीमों ने 36 घंटे की कोशिशों के बाद 70 साल शहरी को मलबे से जिंदा निकाल लिया। दुनिया भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर जारी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 12,00,000 से तजावज कर गई। कोरोना वायरस से हलाक अफराद की तादाद 12,05,838 हो गई। अब तक 30,37,73,346 कोरोना मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Greenish hand sanitizer, Ala Clean quality, 75% food grade alcohol, non-sticky or non-oily formula. Aaj hi apni kareebi pharmacy se khareede ya hamari website par order kare www.greenish.com. कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699 फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा, 905-956-6699। GTA में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में रात के औकात में हल्की बारिश का इम्कान है, जबकि दर्ज हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकता है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। GTA में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया। माहिरीन की जानिब से शहरियों को ड्राइविंग के दौरान एहतियात का मशवरा दिया गया है। इतवार के रोज एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से खसूसी बयान जारी किया गया, जिसमें 1 से 2 सेंटीमीटर तक बर्फबारी की पेशगोई की गई। वफाकी मौसमियाती एजेंसी की जानिब से चंद इलाकों में तेज हवाओं और हद निगाह कम होने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। सबसे ज्यादा बर्फबारी टोरंटो के शुमाली इलाकों में हुई, जबकि शहर के चंद इलाकों समेत सूबे भर में शहरियों को बिजली की बंदिश का भी सामना करना पड़ा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में रात के औकात में हल्की बारिश का इम्कान है, जबकि दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकता है। महीने के सर्द आगाज के बाद इस हफ्ते शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 14 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है। कनाडा में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 10,189 हो गई। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है, जहां कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 1,06,981 हो गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है, जिसमें मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। आखिरी इत्तला के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 2,36,841 हो गई। कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 10,179 हो गई। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमू केसेस की तादाद 1,06,981 हो गई, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के 22 होने वाली हलाकत
मौतों की तादाद 6,272 तक पहुंच चुकी है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 76,707 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतों की तादाद 3,145 है। अल्बर्टा में 27,664 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 318 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 14,323 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 263 है। क्यूबेक शहर के पुलिस चीफ का कहना है कि गुज़िश्ता शाम हमने एक ऐसी खौफ से भरी रात का सामना किया जब एक 24 बरस का शख्स ज़्यादा से ज़्यादा अफराद की जान लेने की नीयत से आया था। जबानी तलवार से लैस शख्स ने हमले के लिए किसी खास मौके और अफराद को नहीं चुना था। इस हवाले से मजीद जानते हैं। क्यूबेक शहर में तलवार से दो अफराद को हलाक करने वाले हमला आवर का किसी दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक नहीं। क्यूबेक शहर के पुलिस चीफ का कहना है गुज़िश्ता शाम हम एक ऐसी खौफ से भरी रात का शिकार हुए जब एक 24 बरस का शख्स ज्यादा से ज्यादा अफराद की जान लेने की नीयत से यहां आया। पुलिस सरबराह के मुताबिक हमला आवर का ताल्लुक क्यूबेक शहर से नहीं। तमाम शवाहिद का जायजा लेने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि जापानी तलवार से लैस शख्स ने हमले के लिए किसी खास मौके और अफराद को नहीं चुना था। वाज़ेह रहे कि कनाडा के शहर क्यूबेक में तलवार से मुसल्ला एक शख्स ने हमला करके दो अफराद को हलाक और पांच को जख्मी कर दिया था। हमलावर को बादजा तलाश करके गिरफ्तार कर लिया गया था। इतवार को हमले के बाद क्यूबेक पुलिस ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा था कि रात 1 बजे के बाद क्यूबेक सिटी पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया है और शहरियों को घरों के अंदर रहने और दरवाजे बंद रखने की अपील की है, क्योंकि इस हवाले से तहकीकात की जा रही है। कनेडियन सूबे ओंटारियो के चंद बड़े अस्पतालों में गुंजाइश पूरी होने की वजह से जगह की कमी का खदशा है। फ्लू सीजन के साथ दूसरी लहर के दौरान कोरोना मरीजों में इजाफे की वजह से सूरतेहाल तश्वीशनाक हो सकती है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो के चंद बड़े अस्पतालों में गुंजाइश पूरी होने की वजह जगह की कमी का खदशा है, जबकि दूसरी लहर के दौरान कोरोना मरीजों में इजाफे की वजह से सूरत हाल तश्वीशनाक हो सकती है। एक दर्जन बड़े अस्पतालों के एक्यूट केयर वार्ड सितंबर और अक्टूबर के अवाइल में अपनी फंडेड सलाहियत से 95% से ज्यादा भर गए थे। ये शरह सूबे के अस्पतालों में ज्यादा से ज्यादा गुंजाइश के 85% के हदफ से ज्यादा है। इन अस्पतालों में ज्यादातर का ताल्लुक GTA से है, जबकि सेडबरी, हैमिल्टन, नायग्रा रीजन और पीटर ब्रो में चंद अस्पतालों को ऐसी ही सूरत हाल का सामना है। इस साल के शुरू में कोरोना वायरस की पहली लहर के दौरान अस्पतालों को शेड्यूल सर्जरीज जैसे आजा की पेवंदकारी, कैंसर के ऑपरेशन और कार्डिक सर्जरी से रोक दिया गया था। सूबे की वजीर सेहत का कहना है कि हुकूमत अस्पतालों को फंड्स फराहम कर रही है ताकि वो फ्लू और कोरोना वायरस के दबाव से निमट सके, जबकि इस सिलसिले में अहम इकदाम कर रहे हैं। रीडो हॉल में माहौल कशीदा है। मुतादित सरकारी मुलाजमीन और साबका मुलाजमीन का कहना है कि 5 दिगर मुलाजमीन छुट्टी पर चले गए हैं, जिसकी वजह काम की जगह पर नामुनासिब माहौल है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडियन गवर्नर जनरल जूली पाइथ पर रेडो हॉल के मुलाजमीन के हरासा करने के इल्जामात के तनाजे में हुकूमती इदारों से ताल्लुक रखने वाले 50 के करीब मुलाजमीन बैरूनी जायजे में हिस्सा ले रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटरव्यू जारी हैं और हुकूमत की तवक्को के मुताबिक शुरका की फहरिस्त में इजाफा जारी है, जबकि शुरका की तादाद 50 से कहीं ज्यादा है। रेडो हॉल में माहौल कशीदा है। मुतादित सरकारी मुलाजमीन और साबका मुलाजमीन का कहना है कि 5 दीगर मुलाजमीन छुट्टी पर चले गए हैं, जिसकी वजह काम की जगह पर मुनासिब माहौल है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि सरकारी मुलाजमीन के साथ काम करने की कोशिश करने के बजाय जूली अपने जाती मफादात के तहफ्फुज के लिए हुकूमत के बाहर से रखे हुए अमले की काबीना तश्कील दे रही है, जबकि उनके जाती अमले के लोग इदारे को चलाने में मुलविस हैं। वाज़ह रहे कि कनाडा की गवर्नर जनरल जूली पाइथ के ऊपर रेडो हॉल के मुलाजमीन की जानिब से इल्जाम आयद किया गया था कि वो मुलाजमीन को हिरासा करती हैं और तशद्दुद का भी निशाना बनाती हैं। इन इल्जामात के तनाजर में तहकीकात की जा रही है। जलजले के बाद इजमीर शहर में हर तरफ तबाही के मनासिर हैं। जुम्मे को रोज आने वाले शदीद जलजले के बाद तुर्की के साहिली शहर इजमीर में इमदादी टीमें जिंदा बच जाने वालों की तलाश कर रही हैं। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने कहा है कि वो इजमीर के बहन भाइयों के जख्म भरने की पूरी कोशिश करेंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
तुर्की में जलजले से तबाही के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। जाबहक होने वालों की तादाद 81 हो गई। रेस्क्यू टीमों ने 36 घंटे की कोशिश के बाद 70 साल शहरी को मलबे से जिंदा निकाल लिया। जलजले के बाद इजमीर शहर में हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। जुम्मे के रोज आने वाले शदीद जलजले के बाद तुर्की के साहिली शहर इजमीर में इमदादी टीमें जिंदा बच जाने वालों की तलाश कर रही हैं। हुकाम ने जाबहक होने वालों की तादाद में इजाफे के खदशे का इजहार किया है। मुख्तलिफ हादसात में 900 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। ज्यादातर को मरहम पट्टी के बाद अस्पताल से फारिग कर दिया गया। ताहम मुतादिद अफराद अभी तक लापता हैं। 36 घंटे तक मलबे तले दबे 70 साल शख्स को रेस्क्यू टीम ने जिंदा निकाल लिया। हजारों अफराद खेमों में रहने पर मजबूर हैं, जिनमें खुराक तकसीम की जा रही है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने कहा है कि वो इजमीर के बहन भाइयों के जख्म भरने की पूरी कोशिश करेंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर जारी है। फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, बेल्जियम और दीगर ने नकलो हरकत पर पाबंदी से लेकर मुकम्मल लॉकडाउन तक की इकदाम पर एक बार फिर से अमल दरामद शुरू कर दिया है। आलमी इदारा सेहत के सरबराह टेड्रोस कोरोना वायरस के शुबे में करंटीना में चले गए हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर जारी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 12 लाख से तजावुज कर गई। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 4,68,60,592 हो गई, जबकि कोरोना वायरस से हलाक अफराद की तादाद 12,05,838 हो गई। दुनिया भर में कोरोना वायरस के फाल केसेस की तादाद 1,18,81,408 है। इनमें से 85,348 केसेस तश्वीशनाक हैं, जबकि दुनिया भर में अब तक 3,37,73,346 कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस ने अमेरिका, लातिनी अमेरिका, हिंदुस्तान और यूरोप को मजबूती से अपनी गिरफ्त में ले रखा है। अमेरिका में रिपोर्ट होने वाले कोरोना वायरस केसेस की मजमू तादाद 94,75,000 से जायद और फाल केसेस की तादाद 31,34,870 हो चुकी है। मुल्क में हलाकतों की तादाद 2,36,501 जबकि सेहतयाब मरीजों की तादाद 61,04,417 हो चुकी है। 31 लाख से जायद फाल केसेस में से जेरे इलाज 17,205 मरीजों की हालत तश्वीशनाक है। भारत में एक दिन में सामने आने वाले केसेस की तादाद कम हुई है, जबकि भारत में 24 घंटों के दौरान 45,000 नए केसेस सामने आए हैं। कोरोना वायरस केसेस की मजमू तादाद 82,29,000 से जायद और मुल्क में हलाकतों की तादाद 1,22,642 जबकि सेहतयाब मरीजों की तादाद 75,44,798 हो चुकी है। ब्राजील में रिपोर्ट होने वाले कोरोना वायरस केसेस की मजमू तादाद 55 लाख से जायद और फाल केसेस की तादाद 4,04,659 हो चुकी है। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 26वें नंबर पर पहुंच चुका है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 5,402 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,47,282 तक जा पहुंची है। बरतानवी हुकूमत की जानिब से सूरत हाल काबू में न आने पर एक माह के लॉकडाउन में मजीद तौसी का इशारा दे दिया गया है। दूसरी जानिब आलमी इदारा सेहत के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस कोरोना वायरस के खदशे में करंटीना में चले गए हैं। फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, बेल्जियम और दीगर ने नकलो हरकत पर पाबंदी से लेकर मुकम्मल लॉकडाउन तक के इकदाम पर एक बार फिर से अमल दरामद शुरू कर दिया है। और हफ्ते की शाम बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने इंग्लैंड में मुकम्मल तौर पर दूसरे माह के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया। चीन में वायरस से निमटने की सलाहियत है और जिंदगी कमोबेश मामूल पर आ गई है। टैक टीवी के न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAG TV. TAG TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe.